लखीमपुर खीरी में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जो पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला निघासन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार गश्त के दौरान पुलिस ने शक होने पर सठियाना की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो कार को रोकने का प्रयास किया, तो कार सवार बदमाश गाड़ी छोड़कर जंगलों में भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि बदमाशों की फायरिंग में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। वहीं बदमाश की ओर से फायरिंग का पुलिस ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें एक बदमाश के पेट के पास गोली आर पार हो गई। हालांकि इस दौरान दो बदमाश मौका पाकर फरार हो गए। ये भी निघासन थाना क्षेत्र में क्या हुआ? ये निघासन है सोठियाना के पास। ये तीन बदमाश जो पशु तस्कर है, एक वो तीन गाय जो कि बांधे उन्होंने स्कॉर्पियो, एक वो लिए हुए थे, तीन गाय बांधी हुई थी लेकर जा रहे थे। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस से मुठभेड़ हुई, बदमाशों ने फायर किया, पुलिस ने भी बचाव में फायर किया। उसमें एक बदमाश ये जुनैद है जो कि बरेली का रहने वाला है, इसको गोली लगी है। अभी कार्रवाई कराई जा रही है। बाकी जो दो बदमाश हैं वो भागने में कामयाब हो गए, उनके गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बदमाशों ने जो फायर किया था वो पुलिस की जो नीली जैकेट है उस पर फायर लगे हैं, और फिर अभी कार्रवाई कराई जा रही है। बरामदगी क्या रही मैम इसमें? ये एक स्कॉर्पियो बरामद हुई है और तीन गायें जो इन्होंने बांध कर डाली हुई थी वो इनसे बरामद हुई है। अभी वेपन इनसे बरामद हो गए जिससे मुठभेड़ हो रही थी, और बाकी इनसे पूछताछ भी की जा रही है। मुठभेड़ में घायल बदमाश को पहले इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालात को देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये बदमाश पशु तस्कर थे। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखीमपुर खीरी से शरीक खान की रिपोर्ट।